गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम 12th चैप्टर पढ़ रहे थे कम्युनिकेशन के बारे में। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के एक्सरसाइज कंप्लीट किए थे। तो आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे, ब्रीफ क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, नेम मेनी टू टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन। दो टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन के हमें नाम बताना है। तो इसका आंसर है द टू टू टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन आर पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। दो टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, एक है पर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरा मास कम्युनिकेशन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट एनी टू मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। टू मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन के नाम बताना है। तो इसका आंसर है टू मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन आर पोस्टल सर्विस एंड टेलीफोन। पोस्टल सर्विस और टेलीफोन जो है वो मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन है। द टू मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन आर पोस्टल सर्विस एंड टेलीफोन। क्वेश्चन नंबर 3, नेम एनी टू लेटेस्ट फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन। टू लेटेस्ट फॉर्म ऑफ द मास कम्युनिकेशन क्या है। तो इसका आंसर है टू लेटेस्ट फॉर्म ऑफ द मास कम्युनिकेशन आर इंटरनेट एंड टेलीविजन। इंटरनेट एंड टेलीविजन जो है टू लेटेस्ट फॉर्म ऑफ द मास कम्युनिकेशन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है टू टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन आर पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। सेकंड, टू मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन आर पोस्टल सर्विस एंड टेलीफोन मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। थर्ड, टू लेटेस्ट फॉर्म ऑफ द मास कम्युनिकेशन आर इंटरनेट एंड टेलीविजन। इंटरनेट और टेलीविजन जो है वो मास कम्युनिकेशन है। तो आज के टॉपिक हमारा यही तक था। अल्लाह हाफिज़।